subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, आज का हमारा टॉपिक मेनली रहेगा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। देखो, ये एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर मेनली हम कुछ वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए और एक मशीन लर्निंग मॉडल से पर्टिकुलर प्रिडिक्शन तक पहुंचने के काम करते हैं। ठीक है, तो मेनली देखो, लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूजफुल है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ये क्लासिफिकेशन का भी काम करता है और रिग्रेशन का भी काम करता है, बट मोस्टली इस एल्गोरिथम को हम रिग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मेनली हमारी रिग्रेशन जो स्टैटिस्टिकल मेथड है उसका भी रोल रहता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से लीनियर रिग्रेशन मॉडल वर्क करता है सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग के अंदर। तो ये देखो, एक पर्टिकुलर टू डायमेंशनल ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे दो एक्सिस है, एक्स एंड वाई, और एक्स एक्सिस पे हमेशा वो वेरिएबल्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम उन वेरिएबल्स को रखते हैं जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि एक कंपनी की एक साल बाद की हमें निकालना है कि उसकी टोटल सेल कितनी होगी। हमें प्रेडिक्ट करना है कि एक साल के बाद जो है वो टोटल सेल कितनी होगी। तो सेल मेनली किस पे डिपेंड करेगी, कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी ना, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, जैसे कि आपका प्रोडक्शन कितना है, आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी क्या है, आपके मेनली जो डीलर्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ डीलर्स कितने हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो एक प्रिडिक्शन के लिए काम करते हैं। उन सभी फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअली उसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सेल जो है वो हमारे इस चीज़ पे डिपेंड है। ठीक है, कि कितना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल कितना आता है, ठीक है, उसकी कितनी खपत है, कितना हमारा बजट है, कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस टाइप से है, एक्चुअली कैपिटल कितना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट में अगर देखें तो एक टोटल परसेंटेज काउंट करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स प्लस उसके गेन ऑब्टेन मार्क्स। तो यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे सेल्स कैलकुलेट सेल्स को प्रेडिक्ट करने में है एक साल बाद का, और हमारे मार्कशीट के अंदर परसेंटेज कैलकुलेट करने में। तो उसी प्रकार यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वर्क करते हैं। आप सिंपल सा ये समझ सकते हो, वो वेरिएबल्स जो इनपुट दिए जाते हो उनको अपने क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। कौन से वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, और जो हमें आउटपुट प्रेडिक्ट करवाएगा, जैसे सेल्स के रेफरेंस के अंदर मैंने जितने भी फैक्टर्स आपको बताए वो सब के सब क्या थे, इनपुट वेरिएबल्स थे। और जो एक प्रिडिक्शन निकल के आएगा, जो सेल्स निकल के आएगी, वो क्या होगा, वो हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं। तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वो डिपेंड की भी डिक्रीज होगी, है ना। यानी जो भी है वो कम्प्लीटली डिपेंड रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी तो वाई की हमेशा बढ़ेगी, इसका उल्टा भी हो सकता है। एक्स के बढ़ने पे वाई की घट सकती है और एक्स की घटने पे वाई की बढ़ सकती है। जो भी होगा होगा लीनियर के अंदर, है ना। अगर एक एक्स के पॉइंट पे बढ़ने पे अगर वाई की ग्रोथ हो रही है तो सभी पॉइंट्स पे वाई एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए, ये सब जो डेटा पॉइंट्स हैं ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे y की वैल्यू कुछ है, तो हम 0 से लेकर, और मान लो यहाँ पे कुछ वैल्यू हम रखते हैं 100 तक, ठीक है, इसी प्रकार इधर भी वैल्यू 0 से लेकर हम रखते हैं 100 तक, ठीक है। तो ये मेनली जितने भी यहाँ पे डॉट आपको नजर आ रहे, हर एक डॉट पे आप देखोगे जहाँ पे एक्स की वैल्यू बढ़ी है वहाँ वाई की वैल्यू भी बढ़ी है, ठीक है। जहाँ 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 एक्स की वैल्यू बढ़ी है वहाँ वहाँ वाई की वैल्यू भी बढ़ी है। जैसे एक्स की इसके लिए हम ये कह सकते हैं ये दोनों जो है वो मिनिमम वैल्यू पे है, जैसे मान लो वैल्यू 10 पे है तो यहाँ भी मिनिमम वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। अगर इस वेरिएबल की हम बात करें तो ये मान लो एक्स के मैक्सिमम पे है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाई के मैक्सिमम पे भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एक्स की वैल्यू, अगर अपने इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, है ना, अगर हम इस वे में देखते हैं, तो जब जब एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी साथ साथ में वाई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आउटपुट वेरिएबल्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे उनके ऊपर जो डिपेंड वेरिएबल है उनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर आप इसके विपरीत में देखते हो, है ना, अगर आप एक्सेस इसको इस साइड करते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी वाई की वैल्यू भी वैसे वैसे आपकी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा एक फंडा है लीनियर रिग्रेशन का। लीनियर का मतलब है कि ये हमेशा सिक्वेंसली चलेगा, एक सीधी लाइन में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे एक सीधी लाइन जो जा रही है ये कुछ डेटा पॉइंट्स को कवर कर रही है, कुछ डेटा पॉइंट्स को यहाँ पे छोड़ रही है। तो इसी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे लीनियर रिग्रेशन को। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करने वाले हैं।